हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर बिहार के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में कुछ गैंगस्टर को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर बिहार पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे गए हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, उन्हें बिहार पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में अगर कोई नाम छूट गया है तो हमें कमेंट करके बताएं। जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है उल्लास पांडे का। यह बिहार के बाहुबली सुनील पांडे का भाई है। आपको बता दें कि रणवीर सेना प्रमुख की हत्या में इसका नाम चर्चा में आया था, लेकिन बाद में इस मामले की पुष्टि नहीं हो सकी थी। यह बतौर निर्दलीय विधान परिषद चुना गया था। इसके बाद यह जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा। हाल ही में यह लोजपा से जुड़ गया था। दोस्तों, जून 2018 में आयकर विभाग ने इसके घर सहित 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि उल्लास पांडे फर्जी लेन देन के साथ हथियारों की तस्करी में शामिल हो सकता है। इस छापेमारी में इस राइफल, कई कारतूस, 39 लाख कैश व 4 लैपटॉप बरामद हुए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है बिहार के माफिया डॉन राजन तिवारी का। इसका नाम कई आपराधिक घटनाओं में सामने आ चुका है। कई अपहरण और हत्याओं में भी इसका नाम चर्चाओं में आया है। यह मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला है और इसकी शुरुआती शिक्षा भी वहीं से हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 90 के दशक में राजन का नाम सुर्खियों में जब आया, जब इसका नाम माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने राजन पर भी शिकंजा कसना चालू कर दिया। इसके बाद ही राजन ने बिहार का रुख किया था। बिहार आने के बाद राजन ने खुद की गैंग बना ली और कई वारदातों को अंजाम दे दिया। इसका नाम सुर्खियों में तब आया जब आरजेडी के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी की हत्या में इसका नाम जुड़ा। इस हत्या के बाद लोग इसके नाम से खौफ खाने लगे। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में राजन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने उसे बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई। 15 जुलाई 2014 को 15 साल बाद मंत्री की हत्या में हाईकोर्ट अदालत ने राजन को बाइज्जत बरी कर दिया। मंत्री हत्याकांड में जेल जाने से पहले ही राजन तिवारी बिहार में शासी जमीन तलाश ली थी, इसीलिए यह 2 बार विधानसभा के लिए चुना गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है 3 बार विधायक रहे सुनील पांडे का। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक रणवीर सेना प्रमुख की हत्या, एक अपराधी को जेल से भगाने का मामला और मुख्तार अंसारी की मारने के लिए 50 लाख की सुपारी देना मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए बेंगलोर गया था। यहाँ इसकी एक लड़के के साथ लड़ाई हो गई। यह उस लड़के को चाकू मारकर अपने गाँव वापस आ गया था और गाँव आने के बाद इसने एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया। मार्च 2000 में इसने पहली बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल की। मई 2003 में पटना के मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र के प्रण में सुनील पांडे का नाम आया था, लेकिन बाद में इसे अदालत ने बरी कर दिया था। इसके बाद जून 2012 में रणवीर सेना प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी सुनील पांडे का नाम सामने आया था। जनवरी 2015 आरा के एक सील कोर्ट में एक बम ब्लास्ट हुआ। इस बम ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 2 आदमी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए। बाद में जब पुलिस ने लंबू शर्मा को गिरफ्तार किया तो पता चला कि इस घटना में भी सुनील पांडे का हाथ था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रामा सिंह का। अगर मीडिया की माने तो इस पर अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास के आम एक्ट के कुल 18 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च 2001 में कुमारी पेट्रोल पंप कारोबारी जयचंद वैद्य के अपहरण के केस में अदालत ने रामा सिंह को 13 लोगों सहित दोषी ठहराया था, जिसके बाद रामा सिंह फरार चल रहा था। 15 साल तक फरार चलने के बाद
वर्ष 2013 में इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है जेडीयू के पूर्व एमपी आनंद मोहन सिंह का। यह गोपालगंज के डीएम की हत्या में फिलहाल जेल में बंद है। जिला अधिकारी की हत्या के दोष में अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। आपको बता दें कि आनंद मोहन सिंह किसी जमाने में कोसी क्षेत्र का बाहुबली कहलाता था। सन 1990 में राजनीति में कदम रखा और पहली बार सहरसे से एमएलए बना। इसके और पप्पू यादव के बीच में टकराव देश में सुर्खियों की कड़ी बनी थी। आपको बता दें कि इसकी पत्नी भी एक बार सांसद रह चुकी है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है मुजफ्फरपुर के दबंग नेता और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और विजय कुमार शुक्ला का। आपको बता दें कि बिहार के उत्तर पूर्व डान का खिताब इसे विरासत में मिला है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुन्ना शुक्ला अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से ही जुर्म की दुनिया में इतना आगे बढ़ता चला गया। मुन्ना शुक्ला का बड़ा भाई छोटन शुक्ला दुनिया का बादशाह था। बिहार के हर बड़े ठेकों पर छोटन शुक्ला का राज था। इसके साथ ही वह अंडरवर्ल्ड में अपना वर्चस्व रखना चाहता था। इसी वजह से 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। मुन्ना शुक्ला ने छोटन शुक्ला की हत्या विरोध के दौरान गोपालगंज के डीएम की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह कांड बिहार वह पूरे देश में चर्चित हुआ। यह वह पहली घटना थी जब अधिकारी तौर पर मुन्ना शुक्ला का नाम चर्चा में आया। दोस्तों आपको बता दें कि 1994 से 1998 के बीच मुन्ना शुक्ला पर गोपालगंज के डीएम की हत्या के अलावा कई शिकायतें दर्ज हुई थी। इसमें से सबसे बड़ी पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी की हत्या में इसके नाम का आना था। इन सब घटनाओं के बीच मुन्ना शुक्ला ने अपने आपराधिक रसूख बढ़ाने तथा छिपाने के लिए राजनीति की शरण ली और बन गए बाहुबली विधायक। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है लोजपा के सूरजभान सिंह का। यह अपने जमाने का दबंग हुआ करता था। इसके गुंडे बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देने में तैयार रहते थे। इसने मुकामा से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा में दस्तक दी थी। इसके बाद यह बलिया से निर्दलीय सांसद चुना गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस पर 20 से भी ज़्यादा संगीन मामले दर्ज थे। अगर स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो 80 के दशक में छिटपुट वारदातों को छोड़कर अल्जाम देता था। 90 के दशक में इसने रंगदारी हत्या अपहरण जैसे अपराधों को अंजाम दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसके पिता और भाई ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सूरज भान सिंह बिहार में जब छाया जब इसका सामना जाने माने डॉन सम्राट सिंह से हुआ। अशोक सम्राट ने मुकामा में सूरज भान सिंह पर हमला भी कराया था। इस हमले में सूरज भान पर गोली लगने से घायल हो गया था जबकि उसका चचेरा भाई मारा गया था। पुलिस ने अशोक सम्राट की एक मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके बाद सूरज भान व मुकामा विधायक दिलीप पांडे में दुश्मनी और बढ़ गई। इसी बीच अपराधियों के राजनीतिकरण में सूरज भान का नाम भी जुड़ गया। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है मध्यपुरा के पूर्व सांसद राजन रंजन और पप्पू यादव का। अपने बाहुबल में पॉलिटिक्स में आने वाले पप्पू यादव को किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन पप्पू यादव आज लालू यादव की पार्टी के लिए रेड और बड़े एलिमेंट बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि पप्पू यादव 17 साल से भी ज़्यादा जेल में बिता चुका है। 90 के दशक में जब पप्पू यादव अपराध की दुनिया में जब नाम कमा रहा था उसी समय लालू यादव अपने राजनैतिक जीवन के चढ़ाव पर थे और वे विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे। उन दिनों ही पप्पू यादव ने लालू के मकसद को पूरा होने में मुख्य भूमिका निभाई थी। दोस्तों अगर बात पप्पू यादव की निजी जिंदगी की करे तो वह भी बड़ी रोमांचित है। पप्पू यादव की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। जब पप्पू यादव पटना के बाकी पूर्व जेल में बंद था तभी उसने अपने दोस्त की एल्बम में एक लड़की की टेनिस खेलती हुई तस्वीर
देखी। उसे देखते ही मानो उसके जीवन में भूचाल आ गया। पप्पू यादव जी जान लगाकर उस लड़की के पीछे पड़ गया जिसका नाम रंजीत था। शुरुआत में लड़की ने इनकार कर दिया, लेकिन पप्पू यादव पीछे नहीं हटा और अपने प्यार को साबित करने में लगा रहा। आखिर में लड़की को भी पप्पू यादव से प्यार हो गया। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध बाहुबली डॉन अनंत सिंह का। अनंत सिंह अपने अजीबोगरीब शौक के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, फिर चाहे बात बग्घी चलाने की हो या घर में अजगर पालने की। इसकी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ समय पहले एक फोटो सामने आई थी जिसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आ रहे थे। फिलहाल अनंत सिंह पुटुज यादव नाम के एक व्यक्ति के किडनैपिंग और हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी से नाराज अनंत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में जुर्म की दुनिया में नाम कमाने के बाद अनंत सिंह ने सियासत की सवारी करने का फैसला किया। धीरे धीरे इसकी नज़दीकियां नीतीश कुमार से बढ़ती गई। इसके बाद इसको वर्ष 2005 में मोकामा सीट से जेडीयू का कैंडिडेट बनाया गया। अनंत सिंह यह चुनाव जीतने में कामयाब हो गया था। इसके बाद से ही यह जुर्म और विषयाशत से राज करने लगा था। इसी कारण इस पर कई मामले दर्ज हुए, लेकिन सरकार के दबाव में इसका कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन आगे चलकर जनता के दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जानता है। इसने कॉलेजों के दिनों में ही अपराध और राजनीति में कदम रख दिया था। वर्ष 1986 में इसके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद एक एक करके कई मुकदमे दर्ज हो गए। राजनीतिक गलियारों में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब इसने लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया में आरजेडी की युवा इकाई में कदम रखा। इसने 1990 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ताकत के नशे में चूर मोहम्मद शहाबुद्दीन इतना अभिमानी हो गया था कि वह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ नहीं समझता था। मार्च 2001 में जब पुलिस आरजेडी के अध्यक्ष मनोज कुमार को गिरफ्तार करने आई थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तार करने आए अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2004 के बाद शहाबुद्दीन का बुरा वक्त चालू हो गया। शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस ने दोबारा शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वर्ष 2009 में अदालत ने शहाबुद्दीन को दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। दोस्तों, ये थे टॉप 10 बिहार के बाहुबली डॉन। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।